What's up guys, hope you all are having a great day. So another day and we are riding towards Jispa. भाई बहुत ठंडा है यहाँ पे एंड मनाली में है अभी हम. मनाली से जिस्पा ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का रास्ता है, तो देखते हैं कितना टाइम में अपन कवर करते हैं, क्योंकि बहुत फुर्सत से करने वाले हैं एज़ यूजुअल रुक रुक के. तो अटल टनल क्रॉस करेंगे. बहुत बर्फ़ गिरी है भाई इस साइड पे. हम लोग जिस दिन आए थे उस दिन इतनी बर्फ़ नहीं थी इन पहाड़ों में, और थर्मल वगैरह सब पहन लिए, काफ़ी अच्छे से इंसुलेशन हो गया है. इवन वहाँ खड़े थे तो गर्मी लगने लगी थी, बट नहीं तांडी और जिस्पा में तो माइनस में टेम्परेचर है और तांडी में अराउंड 0 है. सो रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी ठंड से. फिर सिर्फ उस चीज़ के लिए रुकना ना कि विंटर लाइनर पहनो, पूरा के पूरे गेयर उतारो, दर्द हो जाएगा. इट्स बेटर कि पहले से करके निकले. अब वैसे भी यहाँ से हार्डली आधे घंटे में अटल टनल आ जाएगा. वैसे शायद टाइम लग सकता है क्योंकि ये छोटा वाला रास्ता से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि मेन रास्ता तो यहाँ का बंद पड़ा हुआ है अभी. सो एज यू गाइस कैन सी तगड़ी बर्फ गिरी है वो सब तरफ भाई, और वहीं हमको जाना है. मैंने ये मेरे हेलमेट का वाइजर चेंज करवाया था, इसमें डीफॉगर वगैरह सब लगा है, बट स्टिल प्रॉब्लम हो रही है उसमें. नहीं मालूम, पहले तो नहीं होती थी और अभी कोई ऑप्शन नहीं अपने पास. खूबसूरत बच्चे रे भाई. सही हो जाएगा, हो जा लो. टाटा टाटा टाटा, बाय बाय. बढ़िया जगह यार ये अली भी. पूरा ब्रिज हिलता है भाई, गाड़ियां निकलती हैं तो. सामने क्या व्यू है भाई, बादल ढक गए हैं, बादलों ने ढक दिया है पहाड़ को. अच्छा आई गेस ये लास्ट एक मोड़ है, इसके बाद अटल टनल चालू हो जाता है. और सॉलिड ठंडा हो गया एकदम, ग्लव्स के अंदर ठंडी लग रही है अब. फुल चेकिंग. और ये हम एंटर कर गए अटल टनल. क्या बात, पानी आनी गिर रहा है. धीरे धीरे चलेंगे, क्या बात है. स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाना सब. सो हियर एंड्स अटल टनल आई गेस. मजा आ गया भाई, मजा आ गया.
अटल टनल की अपनी अलग बात है। अगली बार कभी आऊँगा ना तो रोहतांग ऊपर से जाऊँगा, अगर परमिट मिला तो। अभी तो बहुत मुश्किल है, बर्फ़ हद से ज़्यादा है, तो अभी तो चांसेस आर प्रिटी एक्सट्रीम लो। अटल टनल पहुंच गए हैं, फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचा लिए हैं, क्या बात है, फुल मज़ा आ रहा है। बहुत बर्फ़ है और बहुत ठंडा है। अब यहाँ से निकलेंगे, सीधा टांडी में रुकेंगे एंड वी आर ऑल सेट टू लीव नाउ। अब मज़े ही अलग है भाई आने का, कितने भी बार आ जाओ मेस्मराइज करती है जगह। तोड़ नजारा, क्या बात। टांडी 20 किलोमीटर बस, बढ़िया फरी होती है यहाँ की बकरियाँ। देख रहा लाइन से देख रहा कसम। तो भाई हम लोग जिस पास से आगे निकल गए हैं ये आ गया दारचा ब्रिज एंड बस यहाँ पे पता करेंगे कि क्या अपडेट है, कैसा है, शिंकुला वगैरह का ओपन है नहीं है, जो भी है यहाँ पे अपन पता करेंगे, वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा ये सब अपने को। तो पहले पता करते हैं फिर जाके कैंप ढूंढेंगे कहाँ पे रुकना है। क्यों रोक लिया है भाई रास्ते में, बढ़िया बढ़िया सब है खाने पीने के लिए। इधर से अपने को पता चल जाएगा क्या हिसाब है। हाँ ब्रिज क्रॉस करेंगे पहले, वहीं पे चेक पोस्ट है वहीं पता चलेगा। इसकी तो याद है, देखते हैं क्या बताते हैं, क्या बोलते हैं, क्या अपडेट है। साला मैं भूल जाता हूँ ये लगा हुआ है, पूछता हूँ रुक जा। सर शिंकुला का रास्ता खुला है क्या? कल खुलेगा ना, कितने बजे? अरे सर खुलवा दो कितने बजे आ जाए? शाम को आए? हाँ है मैं अपडेट उस अभी जिस पर हमें शाम में एक बार आ जाएंगे। थैंक ओके सर, 8 बजे के करीब आए ना?
ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। शाम में बोले एक बार आ जाना, अपडेट ले लेना, बट कल खुला रहेगा बोल रहा है। अपडेट डाल देते ना, सुनो ना। यही बात का फिर। आज भी ओपन है, कल भी ओपन है। आज नहीं है, कल है। नहीं, आज नहीं है। हमारी अभी अपनी आइटरी साइट थी सही। तो यार हम लोग जिस पर पहुंच गए हैं एंड सेम टेंट एज यूजुअल, पिछले बार भी यही था एंड सेम लोकेशन, यही लोकेशन में हम लास्ट टाइम भी रुके थे और फिर से यही लोकेशन में रुके। बहुत ढूंढने के बाद मिला इन्होंने, क्योंकि थोड़ा सा टेंट अपना शिफ्ट कर लिए, बट भाई ये व्यू बहुत सही लगता है। अभी तक मौसम अच्छा खुला हुआ था, बट अब वापस से बादल बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ गए हैं। लेट्स सी कैसा रहता है मौसम। रात में 8 बजे बुलाएं, उस टाइम जाके देखेंगे क्या कर रहे। अरे लेट गए साले। पहले ही तुरंत इतनी जल्दी काम करना चाहते ना। आया, दाल चावल खाया, अभी आलू खाया, अभी एक घंटे का ब्रेक है, आराम। खाना भी बढ़िया था। जब धूप निकलेगी तब बाहर जाके बैठ जाएंगे। अपना ही टेंट समझो, आज अपना ही समझ रहा हूँ। अब भी बैठो हमारे साथ। चलो भाई बैठेंगे। अरे पाव पे नहीं बैठना। तो वही ऐसा है कि ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही एक्सट्रीम में बारिश हो रही है बाहर एंड कल के रास्ते का कुछ समझ नहीं आ रहा है। उस टाइम मौसम खुला था तो इन लोग बोल रहे थे कि ओपन होगा कल, तो जाने देंगे। अब कल जाके पता करना पड़ेगा। हमने कॉल किए थे, कॉल करके तो यही बोले कि कल आओ, कल पता करना मॉर्निंग में। तो अराउंड 7:30 के आसपास हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बहुत ज़्यादा ठंड है। फिलहाल खाना वाना हो गया है, सोने जा रहे हैं और कल मिलते हैं। होप कि कल हम शिमपुला क्रॉस करके गोम्बो रंजन करते हुए पुरने पहुंच जाएं। ओ अब तक फिर देखते हैं, नहीं तो फिर क्या आगे प्लान करते हैं। वी हैड सम क्रेजी मॉर्निंग। हम लोग रुके थे कैंप हिमालयन स्पिरिट में एंड रात भर इतनी ज़्यादा ठंडी हुई कि क्या बताऊं भाई। एंड सुबह उठ के देखे तो काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी, इधर उधर गाड़ियों में पूरी जमी हुई थी। मैंने ब्लॉग में नहीं लिया हूँ बट मोबाइल में शूट किया था, तो आई विल अपलोड दैट। बहुत ज़्यादा ठंडी थी भाई, हालत ख़राब बिल्कुल। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं दारचा। दारचा एंट्री में देखेंगे हम लोग की क्या हिसाब चल रहा है, एंट्री दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसके हिसाब से क्या करना है आगे वो सोचेंगे। फिलहाल तो यही प्लान है कि दारचा जाएंगे, दारचा से शिंकुला जाएंगे, शिंकुला से गोम्बो, गोम्बो से पुरने, पुरने जाके वी विल स्टे। और अभी 7:54 हुआ है, वी आर ऑल रेडी टू मूव। एज यू कैन सी पीछे खड़े हैं लड़के, अगर दिख रहा है तो। एक नहीं आया अभी तक के, वो भी आ जाए तो निकले। खैर चलो आगे ही मिलते हैं। यार फिलहाल ये हुआ है कि हम लोग कम से कम अराउंड 4 घंटा वहाँ वेट किए हैं बट रास्ते नहीं खुले। जैसे मैं बताया कि बहुत बर्फ गिरी थी, कल तक अपडेट ये था कि खुल जाएगा, सडन वेदर चेंज की वजह से रास्ते खुले नहीं। तो हमने पहले, उन्होंने बोला कि आप वेट करो, शायद BRO ओपन कर दे तो आप जा सकते हो। हम लोग बहुत देर वेट किए बट नहीं खुला। फिर 10:30 के बाद तो वैसे ही अलाउड नहीं करते। तो अभी हम लोग वापस से आज जिस्पा ही रुकेंगे एंड उसके बाद हम निकलेंगे। कल चांसेस आर वेरी हाई क्योंकि मौसम काफ़ी खुला हुआ है, बट यार देखो कोई भरोसा नहीं है ना, कुछ भी हो जाता है। सडनली एक हवा चलती है, बादल आ जाते हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, कल ट्राई करेंगे। बहुत सारे राइडर्स मिले हैं यहाँ पे जो शिंकुला जा रहे हैं, तो हम सब मिल के एक दूसरे के साथ प्लान करेंगे, सब साथ में कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे।
तो अब वो कल देखते हैं क्या हिसाब रहेगा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बोल सकते। चलो, नो रूम्स अवेलेबल बोल दिया उसने। चलो, नो रूम्स अवेलेबल नहीं है उसके पास। उसके पास ऑलरेडी बुकिंग है पैकेज वालों की, तो दूसरी जगह देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं पहले, पहले खा लेते हैं। अब खा लो यार। तो अभी हम लोगों ने द टेंट विला जिस्पा, यहाँ हमने टेंट बुक कर लिए हैं 4 और 5 नंबर। 1500 रुपीज़ पर टेंट हमको पड़ा है, तो ठीक है, ऑलमोस्ट 750 पर हेड पड़ रहा है। वहाँ की डील ज़्यादा अच्छी थी डेफिनेटली, टेंट बड़े थे एंड बिल्कुल रिवर साइड है वो, बट अफसोस वहाँ हमको अभी मिला नहीं, तो कोई ऑप्शन बचा नहीं था। तो अभी हम लोग किलोंग तक जा रहे हैं, हम लोग बाइक रिफ्यूल करवाएंगे। एक पॉइंट ही कम हुआ है गाइड गैस, 200-300 रुपये का पेट्रोल आएगा, और बाकी जो जेरी कैंस रखे हम उसमें फिलअप कराएंगे और कैरी करेंगे हम उसमें अपना फ्यूल, क्योंकि कोई भरोसा नहीं यार। अगर कल हमको दूसरी जगह के लिए ऑप्शन मिला कि ले का रास्ता खुला है, जिसके चांसेस बहुत ही कम है, बहुत कम, तो जैसे भी होगा वो कल देख के लेंगे, तो बट फिर आना नहीं हो पाएगा फ्यूल लेने के लिए। तो अपन बोल रहे हैं कि फ्यूल ले जा के रख देते हैं और बाद में देखेंगे, फिर लगेगा तो यूज़ अपना ही कर लेंगे, क्या ही है उसमें। अगर शिंकुला वाला रास्ता हमने लिया तो फिर डायरेक्ट पदुम में मिल ही जाएगा फ्यूल, तो अपनी वैसे तो हमारे जारी कैंस में रहेगा ही फ्यूल, तो हम यही करेंगे कि अपना फ्यूल ही यूज़ कर लेंगे और फिर डायरेक्ट लेह में जाके भरवाएंगे। आगे कुछ अच्छे राइडर्स मिल गए, पुराने राइडर्स हैं और बढ़िया लोग हैं, तो वो लोग वहीं पे दारचा में रिवर के पास में बिल्कुल अपना कैंप सेट करके मस्त बैठे, हमारी वीडियो कॉल में उनसे बात हुई थी। देखेंगे अगर वहाँ जाना हो पाया तो उनसे भी जाके मिलेंगे। तो अभी हम लोग हैं किलोंग में एंड यहाँ पे फ्यूल स्टेशन है, टांडी के अलावा यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे हमने बाइक्स अपने फ्यूल अप कराए, जेरी कैन में एक्स्ट्रा फ्यूल लिए, मैंने तो पूरा 10 लीटर ले लिया, लोगों ने 5-5 लीटर लिए, और अब यहाँ से वापस जिस्पा, जहाँ पे हमने अपने स्टे किए वहाँ सामान वामान रखेंगे, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ फिलहाल तो मौसम खुला ही है। तो भाई अभी शाम के 6 बजे हैं, मौसम अच्छा खासा खुला है, और अभी मैं जा रहा हूँ दारचा वापस से। दारचा में देखूँगा कुछ अपडेट है अगर उनके पास तो ठीक है, अदरवाइज टाइम पास करके आ जाएंगे, क्या करेंगे बैठ के, मौसम खुला हुआ है। तो अभी कोई गियर्स नहीं पहना हूँ सिवाय ग्लव्स के, पैरों में भी कुछ नहीं है, बस वाटरप्रूफ सॉक्स है क्योंकि वो ठंड से बचा लेते हैं काफ़ी अच्छा खासा। यार देखो मौसम तो काफ़ी खुला है, अब रात में कुछ हो जाए तो उसको बोल नहीं सकते, बट हाँ फिलहाल बहुत खुला है, कल के चांसेस आर वेरी हाई। अभी बाबा बताते हैं, ये यहाँ जाओ तो सब बताते रहते हैं, अरे गेट नहीं खुला है, गेट नहीं। अरे भाई दूसरे काम से भी जा सकता है तुम।
क्या नज़ारा है यार। मतलब आज हम दूसरा दिन है जिस पावे, कल तो हम पूरा दिन रुके, कल तो जस्ट पहुँचे ही थे, आज दूसरा दिन है पूरा, बिल्कुल बोर नहीं हो रहा है, बढ़िया है। कैंप भी बहुत अच्छा है जहाँ हम लोग रुके हैं, कंफर्टेबल स्टे। और आज कल जैसी ठंड नहीं है, कल तो भाई हालत ख़राब थी, इतनी ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड थी। अच्छा मेरे को अभी जिस जो हमारे कुछ ऐसे ही दोस्त बन गए थे, राइडर्स ही हैं कुछ, तो उनसे भी मिल लूँगा अगर वो होंगे तो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। बाइक अभी रेंज दिखा रही है 400 किलोमीटर, सॉरी 10 लीटर फ्यूल एक्स्ट्रा रखा है मेरे पास। क्या ये जीरो। अच्छा बीच बीच में क्लाउड्स आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यार बारिश हो ना जाए, बट नहीं, बिल्कुल भी जमा नहीं हुआ और सही है। अभी इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट 3 लेयर पहना हूँ, ये जैकेट है, इसके अंदर एक थर्मल है, उसके अंदर एक वार्मर है और उसके अंदर एक टी शर्ट है, तो बिल्कुल भी ठंडा तो नहीं लग रहा है, सही लग रहा है। पैरों में थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ठंडा लग रहा है। अभी मैं जस्ट दारचा के गेट से आया हूँ और वहाँ पे ये अपडेट मिला है कि बारालाचा पास जो है वो कल ओपन होगा, ठीक है, बट छोटी गाड़ियों के लिए, टू व्हीलर्स के लिए भी ओपन होगा, बट उनका सिंपल सा कहना है आप अपने रिस्क पे जाओगे, अपने रिस्क पे निकलोगे, ठीक है। शिंकुला का अभी तक कोई अपडेट नहीं है, बोल रहे हैं 8-8:30 बजे तक के हम लोग अपने पेज में डाल देंगे, बट फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। कल सुबह 7-7:30 बजे बोले कि आप आ जाओ, और उस टाइम पे गेट खुलेगा तो आपका जो मर्ज़ी, अगर आपका शिंकुला ओपन है तो आप शिंकुला चले जाओ, अगर नहीं ओपन है, अगर आपको बारालाचा जाना है, बारालाचा होते हुए अगर आपको ले जाना है तो यू कैन टेक दैट वे ऑल्सो। तो देखते हैं, फिलहाल कल कॉल लेंगे क्योंकि कल कुछ ना कुछ तो करना है। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज़ कि अगर शिंकुला मिल गया तो बेस्ट है, हमारा प्लान ए तो चलेगा ही चलेगा। हमारा प्लान बी है कि हम बारालाचा वाला है रास्ते से जाएंगे आगे, एंड तो खैर वो बात कंप्लीट हो नहीं पाई थी। हाँ तो ये है कि शिंकुला अगर कल खुला रहा तो वहाँ से जाएंगे, नहीं खुला रहा तो बारालाचा वाला रास्ता लेंगे, वो भी नहीं खुला रहा तो हम लोग किलर किश्तवाड़ वाला रास्ता लेंगे। जो भी होगा कल डिसाइड करेंगे, कल देखेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे फिलहाल। ये रूम है, ये टेंट है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, पूरा यहाँ से वहाँ तक के सामान पड़ा हुआ है, एंड अभी बस डिनर करेंगे और सो जाएंगे, कल का कल देखेंगे कल, क्योंकि सुबह हमको अराउंड 7 हमको वहाँ पहुँचना है तो जल्दी सोना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।